आज सुशासन का सरकार ना अपराधी का सरकार है। अपराध बिहार में बहुत बढ़ा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर कोई ठीक नहीं है ना। सरकार है, सरकार नाम के चीज कोई है ये नहीं है। सरकार ही है, भगवान भरोसे सरकार चल रहा है। मुजफ्फरपुर में जो बेटियों के हाल जो हुआ है, कहीं देश में कहीं इस तरह के घटना नहीं हुई। नीतीश कुमार के सरकार में रहते हुए, बीजेपी के सरकार में रहते हुए घटना हो रहा है। छोटा छोटा बेटियों के साथ रेप हो रहा है। 2 साल के, 6 महीने के, साल भर के बेटियों के साथ रेप हो रहा है। इस तरह का बड़ा, इतना बड़ा मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ है, वो तो सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं है बिहार में, चाहे देश में कहीं। तो लज्जा आना चाहिए बीजेपी का सरकार को, नीतीश कुमार को सरकार को लज्जा आना चाहिए कि अकलंक लग गया बिहार पर, टीका लग गया। जांच होना चाहिए, जांच तो हो ही रहा, लीपा पोती हो रहा। हम लोग प्रशासन के माध्यम से, हम लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, सत्ता के लोग के नाम है इसमें, समर्थन है, नाम है। सत्ता के गलियारों में लोग, लड़कियों के लोग सप्लाई करता था, तो प्रशासन के क्या नाम है। उस टाइम बिहार सरकार के जांच से आप संतुष्ट? अब जांच में तो लीपा पोती जांच में शुरू से हो रहा है। सुजर घोटाला हुआ, चाहे पैखाना घोटाला हुआ, चाहे गोई घोटाला हुआ, कहाँ लीपा पोती हो गया, कहाँ कोई पकड़ाया, कहाँ कोई जेल में गया। आम आदमी का पकड़ के जेल में डाल दिया उसका नाम पर। वो आदमी तो छूटा गुमराह कार्रवाई कर रहा है। किससे जांच होनी चाहिए? उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, सीबीआई से जांच होना चाहिए।